असलम स्टूडेंट्स अच्छा बच्चे जो करंट अफेयर्स हैं फेबरी के वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं जनवरी के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और uh, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो फेबरी में uh, में हुए हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें सी एस एस पी एम एस और पी एम एस के अंदर जनरल नॉलेज सी एस एस के अंदर पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से भी नंबर वन पेपर एम सी जो है उसके हवाले से भी सो so, लेट स्टार्ट अच्छा इसमें सबसे पहले है जो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे सेलिब्रेशन होती है ट्वेंटी थर्ड फेबरी को हर साल होती है ये दूसरा है पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन से रिलेटेड ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है आ, तो उसकी एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी या आप खुद भी देख सकते हो यूट्यूब पे गूगल पे इसकी वेबसाइट पे फाफन की वेबसाइट पे जाके तो ये डाटा आपको वहां से भी मिल सकता है अच्छा टोटल जो जो सीट्स इस बार जनरल असेंबली में थी वो uh, जिसमें का जो कोटा है वो सिक्सटी परसेंट था uh, है पंजाब के लिए वन फोर्टी वन है सिंध की सिक्सटी वन है पी के खैबर पख्तूर खान की फोर्टी फाइव है बलोचिस्तान की सिक्सटीन है कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तीन है माइनोरिटीज की जो है वो दस है और ये जो इलेक्शन है वो एट्थ फेब टू थाउजेंडी फोर को हुए हैं और ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के ट्वेल्थ जो है वो जनरल इलेक्शन थे ये सारे छोटे छोटे जो है वो एमसीक्यू एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछ सकता है सो ये इम्पोर्टेंट है इन इनको आप लोग जरूर मेमोराइज करिए उसके बाद ये जो 8th सब 2024 को इलेक्शंस हुए जनरल इलेक्शन ये बिगेस्ट जनरल इलेक्शन थे जो एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फिर इसमें जो रजिस्टर वोटर से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 128 मिलियन से जो के आ, फोर्टी एट परसेंट बनते हैं ठीक है हाईएस्ट जो है वो वोटर्स हैं सेवेंटी परसेंट है जो के एन ए ने टू फोर्टीन थरपारकर सिंध का इलाका है उसमें थे और जो लोएस्ट वोटर्स हैं वो सिक्सटीन परसेंट थे जो के एन ए फोर्टी टू साउथ वजीरस्तान के के की का एक डिस्ट्रिक्ट है ठीक है पहले ये एजेंसी होती थी उसके बाद फिर ये इनको uh, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है वहां पे लोएस्ट सबसे जो है वो वोटर्स जो है वो काउंट देखे गए अच्छा उसके मैं ये टर्न आउट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इस साल का जनरल इलेक्शंस का फोर्टी एट परसेंट था अच्छा इसके बाद क्रिकेटर है जो रिसेंटली अभी उसकी डेथ हुई है ट्वेंटी वो कौन है माइक प्रॉक्टर और वो क्यों जो है वो उसकी हुई है क्योंकि ये फेमस साउथ अफ्रीकन साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे ओल्ड उनकी uh, जो है वो सेवनटी सेवन ईयर ओल्ड थे वो और माइक प्रॉक्टर उनका नाम है और ट्वेंटी उनकी डेथ uh, हुई है ये भी पूछ सकता है उसके बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया ये ट्वेंटी फर्स्ट फेम को सेलिब्रेट किया गया जो पहली बार दो में सेलिब्रेट किया गया था और ये यूनेस्को की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है इसका जो थीम था वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटर जरनेशनल लर्निंग इसका इस साल का थीम था ये हर साल डिफरेंट होता है थीम तो इस साल ये थीम था उसके बाद है विच कंट्री हैज बोर्न द बैडमिंटन एशियन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का जो टाइटल है ये 18 फेब को बेटा हुआ है और ये विन किया है इंडिया ने उसके किसके अगेंस्ट रनर आउट टीम कौन सी थी वो थाईलैंड थी और ये मलेशिया में हुआ है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट एवर जो बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप टाइटल है तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि इंडिया ने विन किया है अच्छा उसके बाद फर्स्ट एवर वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो अभी हुई है ट्वेंटी सेवन फेब को वो मरियम नवाज हैं जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं अच्छा उसके बाद है ट्वेंटी फेब को फिनलैंड का जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है अलेक्जेंडर स्टब ठीक है ये प्रेसिडेंट है नया उसके पास सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ये सत्रह uh, फेब को मलेशिया का जो है वो प्रेसिडेंट किंग uh, जो है वो इलेक्ट हुए हैं सिलेक्ट हुए है। अच्छा उसके बाद हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जो कि अभी फेब में आई है जिसका काम क्या होता है कि उसने जो तो वीजा फ्री एक्सेस की जो है वो उसने एक लिस्ट जारी करनी होती है जिसमें उसने कंट्रीज का डिफरेंट कंट्रीज का रैंक बताना होता है तो उसमें जो इंडिया का रैंक है वो एटी फिफ्थ नंबर पर है और ये 60 कंट्री के अंदर मोर देन सिक्सटी सिक्सटी टू कंट्री के अंदर लाइक like वीजा फ्री ये जा सकते हैं और जो फर्स्ट नंबर पर है वो फ्रांस जर्मनी इटली जापान सिंगापुर स्पेन है पाकिस्तान का रैंक इसके अंदर वन जीरो वन है जबकि लास्ट नंबर पर अफगानिस्तान एंड सीरिया है सिरिया। ठीक है क्योंकि इनमें वॉर वगैरह जो है वो चलती रहती है तो इस वजह से जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लास्ट पर है अच्छा उसके बाद विच विच कंट्री हैज ओवरटेकन जापान एज अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री पहले जापान जो है वो उसको थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एज इकोनॉमी के तौर पर उसको जो है वो आ, ये रैंक हासिल था लेकिन अभी टू 2024 की जो न्यू रैंकिंग है उसके हिसाब से पहले नंबर पर यूएसए है दूसरे नंबर पर चाइना है तीसरे नंबर पर जो उसको ओवरटेक किया है जर्मनी ने किया है अब जापान जो है वो फोर्थ नंबर पर है एंड फिफ्थ नंबर पर इंडिया आ चुका है ठीक है अच्छा उसके बाद है विच सिटीज लॉन्च लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विसेज तो अभी फैब के अंदर दुबई ने लॉन्च किया ठीक है विच इज द वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेटेड तो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट किया गया और इसका थीम जो था वो नरिशिंग सोयल्स एंड पीपल था ठीक है तो ये थे बेटा जो बहुत बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एम है तो so, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इसी तरह हर मंथ के जो एम सी क्यूज हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी uh, जो कि सी एस एस पी एम एस एम पी टी फॉर सी एस एस और जुडिशरी uh, और वन पेपर एग्जामिनेशन जितने भी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोटेंट है इसके अलावा कोई ऐसा इवेंट और जो मैंने स्किप कर दिया हो जो मेरे से मुझे uh, जो है वो मैंने मैंशन ना किया हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा जजाकला स्टेबलेट